जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, भगवान शंकर बहुत ही भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से एक हैं। आपने देखा भी होगा, देवता हो चाहे असुर हो, वो असुर हो, वो भगवान शंकर की पूजा तपस्या अवश्य करता है और भगवान जिसकी भी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं उसे तत्काल वरदान दे देते हैं, चाहे वो देवता हो असुर हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनकी पूजा निष्ठा भाव से जो करे भगवान उनको फल देते ही हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और इस बार प्रदोष सोमवार के दिन बना है, तो ये ऐसा संयोग 380 साल बना है। सोम प्रदोष व्रत का ऐसा संयोग 380 वर्ष बाद बना है। इस दिन एक चीज आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस दिन इस महा उपाय को अवश्य करके देखें। दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, हम आपको बताएंगे वह महा उपाय क्या है। दोस्तों, ये जो महा उपाय मैं बता रही हूँ, मैं उन माता उन बहनों के लिए बता रही हूँ जिनकी कोई भी संतान नहीं है, वह यह उपाय अवश्य करें, उनको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस बार बहुत अच्छा संयोग बना है, सोमवार के दिन प्रदोष पड़ा है और सोम वैसे भी प्रदोष वर्ष पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शंकर को अति प्रिय है और सोमवार के दिन प्रदोष पड़ना बहुत शुभ माना जाता है, तो इस दिन ये महा उपाय अवश्य करें। मैं आपको महा उपाय बताती हूँ। दोस्तों, उसकी जानकारी बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, भगवान शंकर को बहुत प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर आप सच्चे मन से, आपके मन में छल कपट किसी के लिए द्वेष भावना नहीं है, आप भगवान की सच्चे मन से पूजा करती हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको एक सरल सा उपाय करना है। दोस्तों, आपको घर से ही आटे का एक चौमुखा दीपक बना के लेके जाना है और दोस्तों, एक लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है और गंगा जल हो तो और भी श्रेष्ठ है। आपको यह उपाय करने के लिए आप कोई से भी फूल ले सकते हैं, चाहे वो पीले हो, उजले हो या कोई भी फूल हो, आप ले सकते हैं। उस फूल को आप लोटे में डाल लें और साथ ही आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, क्योंकि भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र को भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास 11 बेलपत्र ना हो तो आपके पास जितने हो आप चढ़ा दें। बेलपत्र को कभी भी बासी या शुद्ध नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को भी आप धोकर फिर से उसे चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इन सब वस्तु को लेके आप किसी भी शिवालय में जाएं, यानी कि शिव जी के मंदिर में जाएं और दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी पर आप थोड़ा सा जल अर्पित करें और लोटे में गंगा जल डाल लें, उसमें थोड़ी सी मीठी हो चीज़ तो वो भी डाल लें, आप पुष्प डाल लें और 11 बेलपत्र की पत्ती जो मैंने कही है वो ले लें। बेलपत्र को भी उस लोटे में डाल लें और शिवालय में जाएं, सबसे पहला जल ओम गणेशाय नमः बोलते हुए गणेश जी पर चढ़ाएं, पूरे शिव परिवार पर थोड़ा थोड़ा सा जल अर्पित करें और उसके बाद आपको शिवलिंग पर बिल्कुल पतली सी धार में लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जब तक जल शिवलिंग पर चढ़ रही है तब तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। और जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र जो लोटे में रह गया है उस पे बेलपत्र की चिकनी साइड जो होती है उस पे ओम नमः शिवाय या फिर ओम लिखकर शिवलिंग पर बेलपत्र की जो चिकनी साइड है उस तरह से करके शिवलिंग पर अर्पित कर दे और आपकी जो मनोकामना है वो मन में उसका उच्चारण करते हुए एक एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते जाएं और मन में ये उच्चारता करते जाएं कि भगवान, मुझे संतान प्राप्ति के लिए मैंने आपकी ये पूजा की है, मेरी पूजा सफल करें। और ऐसा बोलते हुए शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ा दें। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।